Hi guys, this is Jheel and welcome to my channel. This channel is about a lot of things. I'll tell you, जूते खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अभी विंटर चल रहा है तो I'll tell you मेरे पास विंटर का क्या कलेक्शन और मैंने क्या सोच सोच के खरीदा है. विंटर के लिए ये तो बेस्ट है, ये तो सबको खरीद लेने चाहिए. आई थिंक ये 100-200 रुपीज़ में मिल ही जाते हैं लोकल मार्केट में. मुझे ये मेरे भाई ने ला के दिए एंड आई लव दिस. स्टार्टिंग विथ बूट्स, क्योंकि हम विंटर की बात कर रहे हैं. एंकल बूट्स होने चाहिए, ब्लैक पेयर ऑफ एंकल बूट्स सबके पास होना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक विंटर्स के अलावा भी यू कैन वेयर देम एंड दे आर रियली गुड टू हैव इन योर कलेक्शन. सी, मैंने ये लिए मिंत्रा से, 2500 के आए थे आई थिंक ये, और इन पे गोल्डन मेटल का वो हो रखा है. सो व्हेन यू आर बाइंग सच बूट्स, हमेशा ध्यान रखो कि जो चीज़ें हैं वो फिनिश्ड होनी चाहिए, एकदम शाइन करनी चाहिए. अगर वो उतनी अच्छी फिनिशिंग की नहीं है तो उन्हें रिटर्न कर दो, नो पॉइंट. हैव अ क्लीन ब्लैक पेयर, एकदम जो क्लीन ब्लैक हो, जस्ट हैव दैट इन योर कलेक्शन. इट गोज फॉर ईयर्स. स्पेशली जो बूट्स होते हैं वो 4-5 साल तक चलते हैं, क्योंकि विंटर्स आर लाइक वो 3-4 महीने ही पहनने होते हैं तो उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है. अ वाइट शू, यू मस्ट हैव अ वाइट शू इन योर कलेक्शन, बट उनको सड़कों पे नहीं पहन सकते हो तुम, एयरपोर्ट्स पे या यू नो ऐसी पार्टीज में जहाँ गाड़ी से उतर के जा रहे हो और वापस गाड़ी में बैठ के आ रहे हो, लाइक टू मॉल्स और होटल्स, क्योंकि मैं ख़राब नहीं करना चाहती तो मैं नहीं पहनती. एंड सी, व्हेन यू बाय एनीथिंग लाइक दिस, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ यूनिकनेस. जैसे इसके ना जो लेसेस हैं दे आर वेरी थिन एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर शूज़, सो आई बॉट दीज. ये 350 रुपये में मिंत्रा से लिए मैंने ये पेयर ऑफ. अब ब्लैक जूते सबके पास होते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, बट उनमें रेड फर हो ऐसा हमेशा नहीं होता. ये मैंने स्टीव मेडन से लिए थे. स्टीव मेडन एक अकेला ब्रांड है जिसमें बहुत स्टाइलिश शूज़ और हील्स मिलते हैं, ऑल्दो बहुत एक्सपेंसिव, बट डिस्काउंट टाइम पे जाओगे तो अच्छी डील्स मिल जाएंगी. अब नाउ वेन एवर आई वेयर दिस आई फील सो यूनिक, नो बडी हैज़ अ पेयर ऑफ शूज़ लाइक दिस. सो वेन यू आर बाइंग अ शू ना, यू जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर, इन्वेस्ट इन टू समथिंग विच लुक्स रियली गुड. एंड कमिंग टू दिस, अ गोल्डन वाइट ब्लिंग शूज़, ये कैटवॉक से लिए मैंने, शॉपर स्टॉप में थे. कैटवॉक ने अपना पहला शू कलेक्शन लॉन्च किया था, आई थिंक ये 2000 समथिंग के थे, उनके 50% प्लस 40% कुछ ऑफ की वजह से, और मेरे शॉपर स्टॉप के कार्ड में कुछ पॉइंट्स होने की वजह से मुझे 400 रुपये में मिल गए. दे आर रियली अमेजिंग. सो अगेन, इनको मैं ऐसी जगहों पर नहीं पहनती जहाँ कीचड़ों. आई वोर दीज टू ऑफिस मैनी टाइम्स एंड यू नो टू मॉल्स एंड शॉपिंग प्लेसेस, और इफ़ आई एम वेयरिंग ऑन रोड्स आई टेक केयर के ख़राब जगहों पे ना चल दूँ. मैं मेरे जूतों को बहुत साफ रखती हूँ, इससे मेरे जूते नीचे से भी गंदे नहीं होते. एंड अ हाई हील पीप टोस जो कवर्ड है, इनमें तुम अगर लंबे मोजे पहन लोगे थाई लेंथ के तो इट विल गिव यू अ लुक ऑफ लॉन्ग बूट्स, सो यू शुड कंसिडर टू हैव दिस काइंड ऑफ पेयर. और इसमें स्टड्स भी है, तो किसी को वैलेंटिनो की फील चाहिए हो तो वो इस तरीके के जूते ले सकते हैं. मैंने अजमेर से लिए थे, आई थिंक 1300-1400 के थे. ओवर प्राइस लगे मुझे, बट ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे. और अब वाइट पेयर ऑफ स्नीकर्स, ये तो सबके पास होना चाहिए. ये मैंने सरोजनी से 400 रुपये में लिया था. ऑब्वियसली ये बहुत मैला हो गया क्योंकि ये मैंने बहुत जगहों पर बहुत बार पहना है. और एक नॉर्मल हील की बेली तो आपके पैरों को कवर कर सके. मैंने पैंटलून से ली थी. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट दी शूज़ क्योंकि ये सारे जूते अलग वेराइटी के, अलग कलर्स के हैं, प्लस शूज़ कवर्ड हैं. सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कियों के साथ के पैर काले दिखने लग जाते हैं, वो नहीं होगी, क्योंकि अगर हम पूरे दिन में कॉलेज में या लेट्स से ऑफिस में कहीं पर भी जा रहे हैं और हमारे को पूरे दिन के लिए कुछ पहनना है जूता या कहीं पे भी जाना है, डे आउट है, सो इफ़ यू आर वेयरिंग अ शू विच इज़ कवरिंग होल ऑफ योर फीट, सो इट विल स्टे क्लीन एंड उसमें टैनिंग नहीं होगी. और दैट्स हाउ, अगर किसी के पैर बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो फीट का कलर होता है वो पैर और थाई के कलर से बहुत चेंज होता है, तो विंटर्स में यू कैन वेयर ऑल दीज काइंड ऑफ शूज़ एंड कैन प्रोटेक्ट योर फीट फॉर 3 मंथ्स. एंड इफ इट स्टेज कवर्ड फॉर 3 मंथ्स, बिलीव मी वो डिटैन हो जाएगा अपने आप. वेन नेक्स्ट टाइम यू गो शॉपिंग, बाय शूज़ विच हैज़ यू नो
स्लाइड ऑफ द वैरायटी लाइक दिस. मतलब जूते चाहे 100 रुपए के खरीदो या 200 रुपए के या 10,000 के, खरीदने से पहले थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि तुम्हारे पास हर वैरायटी के जूते आ जाए. समझे, अभी विंटर समर्स हर जगह यूज कर सकते हो. आई एम अ बिग फुटवेयर फ्रीक, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट. यू गाइस, बाय बाय बाय.